अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं 660 एल 660 एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर जिसकी डिमार्केशन मैंने करवाई थी आज माशाल्लाह से उसके खड्डे वगैरह ठेकेदार ने लगा दिए हैं। ये आप देखिए माशाल्लाह से किस तरीके से खड्डा करा है इन्होंने, और खड्डा 4-4 फीट नीचे खड्डा करके इस पर 3x3 के जो है वो पीढ़ियों के कॉलम बना दिए गए हैं और इसमें कच्चा कर दिया गया है। तो व्यूअर्स, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि इस तरीके से ज़मीन का खड्डा करके जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज़ के अंदर जो है वो कॉलम बनाए जाते हैं। जब आप पूरे प्लॉट को खोद कर पेटियाँ बनाते हैं तो उसमें जो है वो ताकत नहीं आती, क्योंकि फिर उसकी आप फिलिंग करते हैं तो फिलिंग के अंदर वो मजबूती नहीं आती है। आप देख सकते हैं कितनी कुदरती तौर के ऊपर ये अल्लाह पाक ने ये जो सदियों सालों से जब से ज़मीन है उस वक्त से ये जगह को ऐसी रखा हुआ था, तो आज इसकी मजबूती वैसी आएगी सिर्फ कॉलम के लिए खड्डे खोदे गए। और इसकी जो कॉलम की पेटियाँ हैं उसकी जो फिलिंग होगी वो SR सीमेंट से होगी, क्योंकि कुछ ये ज़मीन के अंदर सेम है, नमी है, इस वजह से वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि इसके अंदर आप SR से करें, सल्फेट सीमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि सल्फेट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, तोड़ होता है अपना सेम का, लेकिन सेम तो सल्फेट पे भी लगती है, लेकिन अगर आप इसमें सल्फेट यूज़ करेंगे तो उससे ये होता है कि आपके कॉलम की और आपकी पेटियों की जो है वो लाइफ थोड़ी सी एक्सटेंड रहती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो व्यूवर्स, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का एक सेकेंड टू कॉर्नर था, 660A प्लॉट नंबर है इसका। ये आप देख सकते हैं ये जाहिद भाई का घर है, ये आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर इस वक्त खड़े हुए, और माशाल्लाह से ये 24x30 का प्लॉट है 80 गज का, और इसके बराबर में एक ये कॉर्नर है ये खाली पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ये सामान वगैरह मटेरियल रखा हुआ है। ये आप देखें टैंक का साइज़ माशाल्लाह, बड़ा टैंक बनाया जाएगा, ये रोड़ी डालकर गुरमुट करिए, गुरमुट करके फिर इसके ऊपर कच्चा डाला गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे इसके सेम है, उस सेम को रोकने के लिए इस तरीके से मजबूती के लिए इसको इस तरह बनाया गया है। तो मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में किया करें, और मेरे लाइक कोई मशवरे हुआ करें तो काइंडली मुझे दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से मोटिवेशन वीडियोस आप लोगों को मैं बना के अपलोड करता रहूं और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। ठीक है व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।